दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि सर 500 रुपये के अंदर तक का कोई बेस्ट पावर बैंक बताइए। तो चलिए दोस्तों आपके रिक्वेस्ट को मद्देनजर में रखते हुए मैं आज जो आपके लिए कुछ 5 बेस्ट पावर बैंक लेके आ गया हूँ जो बड़ी आसानी से आप Amazon और Flipkart से आप खरीद सकते हैं। दोस्तों चलिए इसके बारे में अगर आपको जानना है तो बिना स्किप के वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंजस पाल और आप देख रहे हैं आपका चैनल Tech24x7। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं 5 बेस्ट पावर बैंक के बारे में जो 500 रुपये के प्राइस में आप Amazon और Flipkart से आप खरीद सकते हैं। तो पहले नंबर का पावर बैंक जो निकल के आता है वो जिंक कंपनी की तरफ से, जिसमें आपको 10,000 mAh का आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आपको लिथियम आयन का आपको बैटरी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 18 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, जिसमें आप जो है USB Type-C पोर्ट यूज़ करके इस पावर बैंक को आप चार्ज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस पावर बैंक में आप 2 मोबाइल एक साथ जो है आप कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है मुझे, 10,000 mAh का बैटरी मिल जा रहा है, साथ ही 2 मोबाइल का पोर्ट मुझे मिल जाएगा, यानी कि 2 USB पोर्ट इसमें मिल रहा है। साथ ही इसमें मुझे चार्जिंग करने के लिए जो है अभी USB Type-C पोर्ट भी यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी जितने भी आपने देखा होगा कि जितने भी मोबाइल नए नए आ रहे हैं सारे मोबाइल में जो है USB Type-C का ही पोर्ट यूज़ हो रहा है। तो आपको कोई भी एक अलग से पोर्ट इसके लिए आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो पोर्ट इसमें जो है जो दिया हुआ दोस्तों उसका जो है USB केबल जो है इसमें साथ में मिलता है, लेकिन कभी कभी मान लीजिए होता है कि मैं वो केबल भूल भी गया तो अपने मोबाइल के केबल से भी मैं इस पावर बैंक को चार्ज कर सकता हूँ। तो दोस्तों जहाँ तक इसके प्राइस के बारे में बात करूँ दोस्तों, इसका प्राइस जो है करीब मुझे 550 से 600 का प्राइस है मुझे Amazon में देखने को मिल जाएगा। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर का जो पावर बैंक जो निकल के आता है वो Cisco कंपनी की तरफ से, और इस पावर बैंक में आपको 5,000 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाता है। साथ ही इसमें मुझे ड्यूअल आउटपुट मुझे देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें मुझे जैसा मैंने आपको बताया कि ड्यूअल आउटपुट जैसा मिलता है, जिसके कारण मैं 2 मोबाइल एक साथ में चार्ज कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें जो इनपुट है दोस्तों वो माइक्रो USB पोर्ट का दिया हुआ है। साथ ही जो है मुझे USB Type-C का भी पोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि इनपुट पोर्ट भी मुझे 2 मिल जाता है। इसके अलावा जहां तक कि मैं इसकी प्राइस के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, इसका प्राइस जो है कुछ 350 से प्राइस के अंदर जो है मुझे ये Amazon में देखने को मिल जाएगा। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये Cisco का जो ये पावर बैंक है इससे मुझे सिर्फ 5,000 mAh का मुझे बैटरी मिलता है। तो जैसे पहले आपने जैसे देखा जिंक कंपनी की तरफ से उसमें 10,000 mAh का बैटरी मिल रहा था, लेकिन Cisco का जो ये पावर बैंक है इससे मुझे सिर्फ 5,000 mAh का पावर बैंक मुझे कैपेसिटी मुझे मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको Cisco का कोई पावर बैंक खरीदना है तो आप ये खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो पावर बैंक जो निकल के आ रहा है वो है Ambrin कंपनी की तरफ से, जिससे मुझे 10,000 mAh का जो लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाता है, और साथ ही मुझे इसमें फास्ट चार्जिंग का कैपेसिटी देखने को मिलता है। और जहाँ तक इसकी बॉडी जो दोस्तों थोड़ा एक रबराइज फिनिश जैसी है, तो आउटर बॉडी जो है इसका जो है वो थोड़ा रबर के फिनिश जैसा आपको लगेगा। इसके अलावा जहाँ तक कि मैं इसकी बाकी फीचर के बारे में बात करूँ तो इस पावर बैंक में भी दोस्तों मुझे ड्यूअल आउटपुट मिल जाता है, और इनपुट जो है भी मुझे इसमें ड्यूअल इनपुट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि माइक्रो USB पोर्ट के साथ साथ मुझे जो है इसमें USB Type-C का भी पोर्ट का ऑप्शन मुझे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जहाँ तक इसके प्राइस की बात करूँ दोस्तों, इसका प्राइस जो है कुछ 422 से 423 रुपये का प्राइस है मुझे Amazon में देखने को मिलेगा। और अगर आपको इसको खरीदना है तो मैंने इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये था तीसरे नंबर का पावर बैंक, और चौथे नंबर का जो पावर बैंक जो निकल के आता है दोस्तों वो वापस है Ambrin कंपनी की तरफ से, जिसमें मुझे 10,000 mAh का बैटरी मिल जाता है, और इसमें जो है दोस्तों मुझे फास्ट चार्जिंग का भी मुझे इसमें कैपेसिटी देखने को मिलता है। और साथ ही जहाँ तक कि मैं इसके इनपुट के बारे में बात करूँ तो इसमें इनपुट जो है दोस्तों मुझे एक सिंगल इनपुट मुझे देखने को यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन आउटपुट जो है दोस्तों यहाँ पर ड्यूअल आउटपुट मुझे मिलता है, 2 मोबाइल एक साथ मैं चार्ज कर सकता हूँ। इसके अलावा जहाँ तक इसमें मैं प्राइस की बात करूँ दोस्तों, इसका प्राइस जो करीब मुझे 338 रुपये के प्राइस से मुझे ये Amazon में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो था ये Ambrin का 2 पावर बैंक मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 2 अलग अलग मॉडल है। पहले जो मैंने बताया था वो अलग थोड़ा मॉडल है, वो थोड़ा सा स्लिम लुक है उसमें, और ये जो दूसरा जो पावर बैंक है ये थोड़ा सा जो है मुझे ब्रॉड फिनिश आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों पहला वाला जो पावर बैंक जो मैंने आपको बताया था जिसमें आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल रहा है, और दूसरे वो जो पावर बैंक बताया मुझे इसमें जो है Ambrin का जो ये पावर बैंक है लिथियम आयन बैटरी मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको कभी भी पावर बैंक अगर आपको खरीदना है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लिथियम पॉलीमर बैटरी वाला आप खरीदें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कैसा होता है कि लिथियम आयन वाला जो लिथियम आयन कंटेंट जो पावर बैंक होता है वो थोड़ा सा जो पावर बैंक वो थोड़ा बल्की होता है, मतलब थोड़ा मोटा जैसा आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास भी जो पावर बैंक है, आप देख सकते हैं ये MI का जो ये पावर बैंक है ये थोड़ा सा बल्की पावर बैंक है। दूसरा जो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है
एक और पावर बैंक है जो ये पीट्रॉन कंपनी की तरफ से। तो अभी ये पीट्रॉन का जो पावर बैंक है दोस्तों, आप देखें ये थिन पावर बैंक है। तो ये जो MI का जो ये पावर बैंक है दोस्तों, ये लिथियम जो है आयन बैटरी इसमें है, और दूसरा जो ये पीट्रॉन कंपनी है तो सबसे लिथियम पॉलीमर है। तो लिथियम पॉलीमर वाला बैटरी का जो कोई पावर बैंक रहता है दोस्तों थिन रहता है, तो बेस्ट है। तो लिथियम पॉलीमर बैटरी वाला पावर बैंक लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि थिन पावर बैंक है तो आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये हैवी पावर बैंक कैरी करने में जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन प्राइस के पॉइंट से जो तो लिथियम आयन जो है, लिथियम आयन वाला जो पावर बैंक है थोड़ा सा सस्ता आपको देखने को मिलेगा, वही लिथियम पॉलीमर वाला तो आपको मतलब 50-100 रुपये थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरह जैसे मैंने आपको एमरन का पहला वाला जो पावर बैंक दिखाया जिसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी था, उसमें उसका प्राइस जो है करीब आपको 422-23 रुपये का प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरा जो पावर बैंक मैंने आपको बताया, ये एमरन कंपनी का जिसमें मुझे लिथियम आयन मिल रहा है बैटरी, उसमें उसका जो प्राइस है कुछ 338 रुपये था। आपने देखा कि कुछ 100 रुपये के जैसा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो सजेस्ट मैं करूँगा कि आप लिथियम पॉलीमर बैटरी वाला पावर बैंक लिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये था एमरन कंपनी की तरफ से। वापस दूसरा पावर बैंक जो चौथे नंबर पर था, तो पाँचवें नंबर का जो पावर बैंक जो निकल के आता है वो वीजर कंपनी की तरफ से, वो है वीजर W0533। ये इसका मॉडल नंबर है। ये भी एक स्लिम और लाइट पावर बैंक है। इसमें भी मुझे लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाता है, जिसमें मुझे LED लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें मुझे 5000 mAh का बैटरी मिलता है। और जहाँ तक कि मैं इसकी मैं पोर्ट की बात करूँ, तो इसमें जो आउटपुट पोर्ट है दोस्तों, इसमें मुझे डुअल आउटपुट मिल जाता है। इनपुट जो है मुझे सिंगल इनपुट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अभी इसका जो प्राइस है दोस्तों, वो करीब जो है 66 रुपये जो है, 67-66 रुपीज़ के हिसाब से वो मुझे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको जो है 350 के प्राइस में करीब पावर बैंक आपको ख़रीदना है, तो आप ये वीजर का W0533 पावर बैंक आप ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो मैंने 5 आपको पावर बैंक बताया, तो उसमें से जो एक बेस्ट पावर बैंक है जो मुझे पसंद है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मेरे हिसाब से ये एमरन का जो 10,000 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी वाला जो पावर बैंक है, जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इसका प्राइस भी करीब मुझे 422-23 रुपये में मुझे मिल जा रहा है। अगर मैं GST इंक्लूड भी करूँ, तो इंक्लूड करने के बाद 500 रुपये का प्राइस मुझे ये पावर बैंक मिल जाता है। तो 500 रुपये के अंदर तक का बेस्ट पावर बैंक जो है एमरन का, ये 10,000 mAh का। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया दोस्तों, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसका मॉडल नंबर जो है वो है P11, और ये ब्लैक कलर का फिनिश है, रबराइज फिनिश है, और स्टाइलिश के होने के साथ साथ मेरा जो है एक काफ़ी पर्पज सॉल्व करता है। तो मुझे ये पावर बैंक पसंद आया। तो दोस्तों आपका क्या रहा है, आपको कौन सा पावर बैंक पसंद आया, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप बता सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हो, तो मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके का दोस्तों नया नया वीडियो हम जानकारी से भरा हुआ हम हर दिन लेके आते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि हर दिन नया नया जो वीडियो लेके आते रहे उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो वीडियो को आखिर तक बने रहने के धन्यवाद। मिलता हूँ कल नए वीडियो के साथ।